जलसे तो रिस्पांस भी लोगों भी देता है, हर जगह रोडा होता है, लोटे शोटे भी लोगों काफ़ी रखे क्योंकि माजी भी तो सब भी पार्टियां बदलाई हैं, मुख्तलिफ पार्टियां भी तुम भी रहे हो, तो सर इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई और फ्यूचर बच्च हो सकते सियासत में कोई गल हर फिर आखिर भी नहीं होती, तो फिर भी कोई पार्टियां अपनी बदला के नो, लेकिन ये जो लोटे वाला सीन चल गया टंग के दा या बदतमीजी, इस तक क्या कहना चाहते हो कि सियासत बच्चे एक अच्छी रवायत है या बुरी रवायत है? लोग खटक साहब आवन या महमूद खान आवे उन्हें को देख के उन्होंने नजारे वास्ते कितना शाहजहान साहब भी मेरे मौजूद हैं जी, तो इन्होंने को भी पूछा कि कल का जलसा इन्हें भी यकीन देखियो असी एक बड़ा भरपूर जलसा किए गए बफे बिच, तो तुम किस नज़र नाल देखते हो कल जलसे को? सबसे पहले तो असी तुरंत तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं, फिर कैप्टन साहब से गल कर छोड़ी है, जलसा शायद मैं नहीं देखा लेकिन सुनया है कि कुछ लोग आसे, लेकिन सोशल मीडिया में कमज़ोर देखना भी सोशल मीडिया देखते हैं का बहरहाल जड़ा भी उस बिच आया तो जलसा जाहिर है उन्होंने सुन जलसा किया है और जलसे का रिस्पांस भी लोगों भी देता है, हर जगह रोडा होते हैं, लोटे छोटे भी लोगों काफ़ी रखे दिया से और इतना और रिस्पांस नहीं आया। बहरहाल जिस तरह कैप्टन साहब की आया है कि ये जड़ा है मकई कपड़ा तक इंशाल्लाह ये चल सन, उस बात खत्म ही हो सन, तो बहरहाल ये खत्म होने वाले लोग हैं, इतना जल्दी नहीं ज़्यादा नहीं रह सकते, तो असी वेलकम करते हैं जी जो भी इलेक्शन बस जैसा कहते हैं पॉलिटिकल पार्टियां, बहरहाल लोगों को फैसला लोगों को पता है कि गुज़श्ता तकरीबन पाँच साल पे चार साल पे तकरीबन जो तक उन्होंने हुकूमत आई उन्होंने जिले में क्या किया या के काम होए उन्होंने या के काम कर रखे अज तक कोई प्रोजेक्ट वो कहन के नहीं आ गए, और इस अलावा कल दो वजीर आला इतने आया से महमूद खान मेरा ख्याल नहीं आया 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 महमूद खान भी आया, दो वजीर आला आया से अपने आप तो पछमान से परेशान से कि वो क्यों आ गए मजारे वास्ते कुछ भी नहीं किया। अच्छा तुसा सुन गल की थी लोटियां दी जी असन दे इलाके बिच असती जिहड़ी रवायत हैं इस बिच इस तो पहले सियासत बिच असें इस किस्म की बेहूदगी और बदतमीजी नहीं देखी, क्योंकि माजी बिच तुसा भी पार्टियां बदलाई हैं, मुख्तलिफ पार्टियां भी तुसी भी रहे हो, तुसा नाल इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई और फ्यूचर बिच हो सकते सियासत में कोई गल हरफे आखिर भी नहीं होती, तुसी फिर भी कोई पार्टियां अपनी बदला के नो, लेकिन ये जो लोटियां वाला सीन चल गया टंग के दा या बदतमीजी, इस तक क्या कहना चाहते हो कि सियासत बिच एक अच्छी रवायत है या बुरी रवायत है? जी गल है कि पहले असं एक मजहब पार्टियां अलहमदुल्ला पाकिस्तान मुस्लिम लीग बिच रहे हैं और अरसा दराज तो रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि पहली दफ़ा ये नई जनरेशन जी आई है न्यू पार्टीज़ नया कंसैप्ट जो है तो इस कंसैप्ट तुसी सोशल मीडिया को देख लो या इस वक्त पाकिस्तान बिच अगर माशरती बिगाड़ पैदा किया है तो इन्होंने सुन बिगाड़ पैदा किया है, तो हूँ दो आपस में मिल गए कल जो आखते अस पाकिस्तान का ईमानदार आदमी है, अज उसको आखते सब तो बड़ा चोर हुआ सा आज वो आखते जी कि इसी की वजह तो पाकिस्तान तो चलो ठीक है ना, मैं जी मतलब क्वेश्चन है कि रवायात जी नवी आ गई इस तक क्या गल है कि ये रवायात इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ख़त्म हो सन आस्ता आस्ता ख़त्म हो सन इंशाल्लाह लोगों को लोग रियलाइज कर सन, और क्योंकि इस वक्त वक्ती तौर पर ये मौजूद हैं तो इंशाल्लाह अदारे बिच अदारे दे लोगों ने सुन रवायती तौर पर इतना किसी के खिलाफ नहीं किया, पहली दफ़ा इस तरह हुआ है और इंशाल्लाह क्योंकि ये लोगों बिच एक गम गुस्सा आसा और ये जड़े दो लोग इस सूबे दे गवर्नमेंट कर दिया से इन्हें सुन कोई हैक अस्पताल हैक स्कूल हैक कोई कॉलेज जिस 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 तहसील बिच कल आए उस तहसील तो MP सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब आ से उन्हें सुन असम्बली बिच उठ के एक दफ़ा नहीं कई बार तकरीरें भी कीतियां, इस वजीर आला ये वजीर आला जरा महमूद खान अस इन्हों को कई दफ़ा जुल के मिले भी कि असं इस बिच हैक कॉलेज मंजूरी दे छोड़ो उन्होंने सुन एक कॉलेज नहीं दिता पाँच साल बच्चे, देखो गल है कि ये ज्यादतियां हुई हैं और इन्होंने ज्यादतियां के बदले बच्चे अज अगर कोई आदमी आखे आखते जी कि माड़े को गलती हुई है असी तरक्की ना दे सके तो गलती है उन्होंने एक्सैप्ट भी नहीं की, बहरहाल इस वजह तो हूँ मानसेरे की आवाम या हजारे की आवाम समझते हैं कि जो लोग खटक साहब आवन या महमूद खान आवे उन्होंने को देख के उन्होंने असने हजारे वास्ते कितना उन्होंने काम किया है, तो अगर इंशाल्लाह अल्लाह फजल करना काम करने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, हज़ारा एक्सप्रेस वे हज़ारा मोटर वे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहन के आए
बहुत बड़ी लिस्ट है, तुसें पहले भी अपने इंटरव्यू बिच दसी है, असों सिर्फ हुण आखिर बिच यह दसो कि आइंदा इलेक्शन बिच PK 37 और NA 13 का टिकट किसको जुलसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? इसका कैप्टन साहब जवाब दे सन जी। कैप्टन साहब मानसरे बिच पूरे पाकिस्तान के जेडे टिकट अप्लाई कर सन, कोई पेशावर कर सी, कोई लाहौर कर सी, कोई पाकिस्तान में कर सी, मानसर के टिकट सरदार यूसुफ सैक्रटेरिएट बिच अप्लाई हो सन और इंशाल्लाह ताला सरदार साहब सारिया सीटा दखल है, फिर वेलकम बंड बंड के देवे, फिर वेलकम, असें एक बारी बधी दी है, गड्ढा बधी दे, इसको असी ना त्रोड़ना देंदे, असी अल्लाह के फजलो करम नाल VC दे चेयरमैन सी कहन के नैशनल असैम्बली तक असी करा भी बैठ के फैसले करते हैं और सारिया कौम कहन के नाल टुरदे हैं इंशाल्लाह ताला, हर कौम का नुमाइंदा पार्लीमेंट बिच और गरीब घर का बच्चा कहन के जुलसा। तुसी मोड़े सी पुछते ऐसे हो कि यरा तू पंजाब तो खलसी या मानसरे तो? यरा एक ब्याह पंजाब बिच करके दा और दो वक्त की रोटी भी पंजाब ही खाना, हूँ इलेक्शन उतो लड़ना अच्छा नहीं लगता, हूँ सारा काम ही सोरे तक ना सा आप ही कुछ करा। जी तो नाजरीन तुसा कैप्टन साहब की भी गुफ्तगु सुनी, तो नाल तुसा शाहजहान साहब उनकी भी गुफ्तगु सुनी। कैप्टन साहब चूंकि जिंदा दिल आदमी उन्होंने ये बई कि मैं पंजाब तो शादी करके दी और दो टाइम का खाना भी जोड़ा है तो पंजाब उतो ही है, तो लिहाजा इलेक्शन अपनी जिले तो अपनी उस जगह तो लड़ सा और इतों ही मुझे अच्छा लगता है, अपनी डोगी बच्चे हाल मारसा तो इतों ही अच्छा लगता है। तो अगले किसी शख्सियत नाल अगले नवे किसी टॉपिक नाल तुसी खिदमत बिच हाजिर हो सन जी, उदने तक अपने खातरदार बिलाल फरीद को दियो इजाजत, तो देखते रहो MyTV न्यूज़ नेटवर्क।